जहां पर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मंत्री विश्वास सारंग, पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह की हत्या की साजिश रच रहे बदमाश हैदर अली को पकड़ लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसटीएफ अब पूछताछ कर रही है। हैदर अली पूर्व विधानसभा सचिव की बेटी श्रुति के साथ अपहरण मामले में फरार था। बड़ी खबर सत्य आ रही भोपाल से, जहां पर कुख्यात बदमाश हैदर अली गिरफ्तार किया गया है और बीजेपी के बड़े नेताओं की हत्या की साजिश रच रहा था। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मंत्री विश्वास सारंग, ध्रुव नारायण सिंह भी निशाने पर थे और क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गया हैदर अली, जो साजिश रच रहा था बीजेपी के बड़े नेताओं की। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान की हत्या की साजिश, विश्वास सारंग, ध्रुव नारायण सिंह भी थे निशाने पर, क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा हैदर अली, जो इन सभी बड़े नेताओं की हत्या की साजिश रच रहा था और क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर भोपाल क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मंत्री विश्वास सारंग, पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह की हत्या की साजिश रच रहे थे बदमाश हैदर अली को पकड़ लिया गया है। दुर्गेश गुप्ता भोपाल से स्वराज संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, एक बड़ी कार्रवाई की गई है क्राइम ब्रांच के द्वारा, जिन्होंने एक बदमाश हैदर अली को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ पूरा मामला आपके पास है? शरद जी, जिस तरीके से राजधानी भोपाल में क्राइम ब्रांच ने एक सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है, जहां पर एक हैदर अली जो कि पूर्व में एक आरोपी अपराधी प्रवृत्ति का रह चुका है, जो कि श्रुति नामक जो युवती थी जो ड्रग्स जैसी चीजों में संलिप्त थी, उसके साथ में ये आरोपी था। उस आरोपी ने भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को अपने निशाने पर रखा था, जिनकी मौत का षड्यंत्र रच रहा था। उसके पहले ही भोपाल क्राइम ब्रांच ने उस आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। क्योंकि मामले में इतने दिग्गज नेताओं से जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए इस पूरे मामले में एसटीएफ जांच पड़ताल कर रही है। वहीं हम आला अधिकारियों की बात करें तो आला अधिकारी भी अभी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, क्योंकि यह मामला बहुत संगीन मामला है। भोपाल प्रदेश के दिग्गज मंत्री, दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के इसमें जुड़े हुए हैं, जिसमें जो निशाने पर थे, इसलिए अभी जो अधिकारी हैं, अधिकारी भी इस मामले से बच रहे हैं। जी, क्या लगता है, जिस तरह हैदर अली को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ पूछताछ की जा रही है पुलिस द्वारा और क्या कुछ आगे की कार्रवाई की जा सकती है? जी बिल्कुल शरद जी, अभी हैदर अली से पूछताछ चल रही है, क्योंकि इस मामले को क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया था और इसको एसटीएफ और क्राइम ब्रांच दोनों मिलकर इस आरोपी से पूछताछ कर रही है, क्योंकि यह अपराधी प्रवृत्ति का है। हैदर अली जो की पूर्व विधानसभा सचिव की बेटी श्रुति के साथ ही अपहरण मामले में भी फरार था, जी। तो उसी मामले को गंभीरता से लेते हुए क्राइम ब्रांच और एसटीएफ दोनों इस मामले में छानबीन कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। इस पर दिग्गज नेताओं के नाम सामने आए थे, जिनको इसने अपने निशाने पर बनाया था। पूछताछ के बाद और भी चीजों का खुलासा हो सकता है। अभी क्या पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आया है, कोई जानकारी इस तरह की मिली है? शरद जी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अभी चूंकि यह बड़े नेता मंत्रियों से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए कोई भी आला अधिकारी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। अभी फिलहाल किसी भी चीज की खुलासा अभी नहीं कर रहे हैं अधिकारी, मगर जहां तक शाम तक की अधिकारी इस मामले पूर्ण तरीके से खुलासा कर देंगे। यानी शाम का इंतजार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें कुख्यात बदमाश हैदर अली को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये भोपाल क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मंत्री विश्वास सारंग, पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह की हत्या की साजिश रहे बदमाश हैदर अली को पकड़ा गया है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसटीएफ पूछताछ कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपको बता दें कि हैदर अली वही व्यक्ति है जो पूर्व विधानसभा सचिव की बेटी श्रुति के साथ अपहरण मामले में भी फरार चल रहा था। बड़ी खबर उस वक्त आ रही भोपाल से, जहां पर जो क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की, जिसमें एक ऐसे अपराधी को पकड़ा है जो बीजेपी के दिग्गज नेताओं की हत्या की साजिश रच रहा था और उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इस पूरे मामले की पूछताछ की जा रही है। हालांकि देखना यह होगा कि आखिरकार क्या कुछ पूछताछ में और चीजें निकलकर सामने आती है।